हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में जाना था पारिभाषिक शब्दावली किसे कहते हैं, और कुछ पारिभाषिक शब्द मैंने आपको बताए थे, साथ में उनका अर्थ बताया था। पारिभाषिक शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयोग होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पारिभाषिक शब्द। पिछले अध्याय में हमने कुछ जाने थे पारिभाषिक शब्द। आज के अध्याय में मैं आपको और कुछ नए पारिभाषिक शब्द और उनके अर्थ बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। ट्राइबल काउंसिल, जनजाति परिषद, पायरेसी, जलदस्युता, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जिला बोर्ड, एमरजेंसी, आपात, इनकम टैक्स, आयकर, इम्पोर्ट ड्यूटी, आयात शुल्क, कमिश्नर, आयुक्त, कमीशन, आयोग, पुलिस, आरक्षक, समन, आह्वान, चार्ज, अभियोग, चार्ज शीट, अभियोग सूची, सेमी गवर्नमेंट, अर्ध सरकारी, एरियर्स, अवशिष्ट, कैजुअल लीव, आकस्मिक छुट्टी, ऑब्जेक्शन, आपत्ति, विल, इच्छा पत्र, रिकवरी, उगाही, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, सक्सेसर, उत्तराधिकारी, एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन शुल्क, ट्रेनियल, त्रैवार्षिक, डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज, हैंडीक्राफ्ट, दस्तकारी, बैंक्रप्सी, दिवाला, सिविल कोड, दीवानी अदालत, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, बाय इलेक्शन, उपनिर्वाचन, लेफ्टिनेंट, उपराज्यपाल, डेप्ट, उधार, ब्रॉडकास्टिंग, उदाहरण, प्रीमेबल, प्रस्तावना, कंप्लेंट, शिकायत या फरियाद, कस्टम ड्यूटी, बहिःशुल्क, मेजॉरिटी, बहुमत, एसेसर, न्याय सहकारी, एजेंडा, कार्यसूची, बॉन्ड, प्रतिज्ञा लेख, बॉयकट, बहिष्कार, बायलो, उपनियम, बिल, विधेयक, चार्जशीट, आरोप पत्र, कॉन्ट्रैक्ट, ठेका, काउंटर फॉयल, प्रतिपत्र, कोड, संहिता, कस्टोडियन, रक्षक, एडिटर जनरल, महालेखा, अलाउंस, भत्ता, लैंड रेवेन्यू, भू राजस्व, सफरेज, मताधिकार, डिफेमेशन, मानहानि, एग्रीमेंट, करार या अनुबंध, एग्जीक्यूटिव पावर, कार्यपालिका शक्ति, टीनेंट, किराएदार, कैटल पॉन्ड, कांजी हॉल, कॉपीराइट, कृति स्वाम्य। तो दोस्तों, यहाँ जो मैंने आपको शब्द बताए हैं, आप इनका अर्थ यही लिख सकते हैं। इनका आप सोचें कि अलग अलग अर्थ आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं होता। ऐसा सिर्फ हम कुछ जो सामान्य शब्द होते हैं उनमें ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगले अध्याय में मैं आपको और भी नए नए पारिभाषिक शब्दों के बारे में बताऊंगी। आपका दिन शुभ हो। मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।